मित्रों, जब जब इस धरती पर पाप और अन्याय का घड़ा भरा है, तब तब पापियों के नाश के लिए संसार में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। ठीक ऐसा ही कलयुग में होगा, जब भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने के लिए आएंगे। और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार, कल्कि के आने के 4 जिंदा सबूत पृथ्वी पर आज भी मौजूद है। लेकिन कहाँ है ये सबूत और क्या है इनका राज, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धर्म शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल के बाद जब श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया, तो उनके सुदर्शन चक्र ने खुद को पृथ्वी के अंदर समाहित कर लिया था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार जब कलयुग में आएंगे, तो यही सुदर्शन चक्र धरती को चीरकर वापस निकलेगा और भगवान कल्कि उसे धारण करेंगे। और आखिर वे सुदर्शन चक्र से युद्ध कैसे करेंगे, उनकी युद्ध नीति क्या होगी, ये सभी चीजें उन्हें कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम ही सिखाएंगे, जो कि आज भी जीवित है और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ सुदर्शन चक्र ही नहीं, कुंती पुत्र कर्ण का अमोक कवच और कुंडल भी उनकी इस युद्ध में सुरक्षा करेगा। बताया जाता है कि महाभारत काल के बाद आज भी समुद्र देव और सूर्य देव इस कवच और कुंडल की सुरक्षा पुरी के कोणार्क में सदियों से कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, कलि पुरुष के खिलाफ होने वाले इस युद्ध में भगवान कल्कि का सबसे बड़ा हथियार ब्रह्म पदार्थ होगा। वही ब्रह्म पदार्थ जिसको लेकर कहा जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। दोस्तों, धर्म विद्वानों की माने तो ब्रह्म पदार्थ में असीम शक्तियाँ हैं और कलयुग में इसी ब्रह्म पदार्थ से कल्कि अवतार कलि पुरुष का अंत करेंगे। इसके अलावा भगवान कल्कि के होने वाले परिवार के बारे में भी भविष्यवाणी की गई है, जिसका जिक्र हमें भागवत पुराण के स्कंद 12 के अध्याय 2 में साफ साफ एक कथा के माध्यम से देखने को मिलता है। इस कहानी के मुताबिक यूपी के संबल गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा और वह अपने माता पिता की 5वीं संतान होंगे, जो समय आने पर देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठकर आएंगे और तलवार से पापियों का नाश करेंगे, जिसके बाद फिर से सतयुग का आरंभ होगा। इस कथा में ये भी बताया गया है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, जिनका नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होगा। भगवान कल्कि की पत्नी वैष्णवी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही जन्म ले लिया था। दरअसल त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नागर नाम के एक राजा थे, वो माता रानी के परम भक्त थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे में माँ काली, माँ सरस्वती और माँ भगवती रत्नागर की भक्ति से प्रसन्न हुई और तीनों के तेज से मिलकर रत्नागर की पत्नी के गर्भ में आशीर्वाद स्वरूप एक संतान का वरदान दिया और सपने में आकर ये भी बताया कि उनके घर एक दिव्य बालिका का जन्म होने वाला है, जिसको कलयुग में लोग पूजेंगे और भविष्य में ये देवी एक अहम भूमिका निभाएगी। इस प्रकार रत्नागर के घर एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। त्रिकुटा बचपन से ही ज्ञान पाने की इच्छा रखती थी और केवल 9 साल की उम्र में त्रिकुटा ने घर परिवार त्याग कर स्वयं को भगवान की भक्ति में लीन कर लिया। ऐसे में जब एक दिन भगवान राम जंगलों में माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने पहली ही नजर में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। और प्रभु श्री राम ने त्रिकुटा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूछी। तब त्रिकुटा ने प्रभु श्री राम से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, पर एक पत्नी व्रत होने के कारण प्रभु श्री राम ने विवाह से इनकार कर दिया और कहा कि कलयुग में समय आने पर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा और अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये कहकर श्री राम वहाँ से चले गए और देवी त्रिकुटा भी पहाड़ों में जाकर तपस्या में लीन हो गई। और आज भी देवी त्रिकुटा कुंवारी बैठी है और जम्मू के कटरा में एक गुफा में भगवान कल्कि के आने का इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, माता वैष्णो देवी युगों से गुफा में अदृश्य रूप में प्रभु के आने का इंतजार कर रही है और श्री राम के कहे अनुसार अपने भक्तों का कल्याण कर रही है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कल्कि कलि पुरुष का अंत करके माता वैष्णो देवी से विवाह करेंगे और उनके 4 पुत्र होंगे, जिनका नाम जय विजय, मेघवाल और बल्लाहक होगा, जिसका वर्णन हमें कल्कि पुराण में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। जय श्री हरी।